होती है ये सुन्नत तेलंगाना के सदस्य मौलाना पीर सैयद आले मुस्तफा कादरी साहब, हमारे इम्तियाज हुसैन साहब, तमाम दरगाह के सदर बुजुर्गों भाइयों, आप सबका सलाम। पहले मैं देरी के लिए थोड़ा आपका माफी चाहता हूँ। इलेक्शन का मामला था, फिर के आज मुस्तफा कादरी साहब ने सब कुछ बात आपके सामने रखे हैं। बाकी सीटों में बीआरएस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी के तरफ से, सीएम साहब के तरफ से, हम पूरे के तरफ से मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज केसीआर साहब और बीआरएस पार्टी ने पिछले 9.5 साल में कितना अच्छा अमन के साथ इस राज को चला रहे, जो हिंदू के लिए करे, मुसलमान साहब लोगों के लिए भी कर चुके हैं। जो भी जैसा एससी एसटी बीसी रेजिडेंशियल स्कूल हिंदू बच्चों के लिए खोले, आज मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल क्रिमिस को भी सीएम साहब ने बहुत सारे स्कूल्स खोले हैं। सालाना 600-700 रुपये भी हम खर्च कर रहे हैं। इस देश में पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी का बजट अगर से कोई गवर्नमेंट दे रहा है वो बीआरएस गवर्नमेंट दे रहा है। माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन तेलंगाना से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन वहाँ का बजट कमी है। तेलंगाना में वहाँ से भी पॉपुलेशन कम है लेकिन केसीआर साहब ने ज़्यादा बजट दे रहा है। बजट देना ही नहीं, खर्च भी कर रहा है। एक अच्छा काम चल रहा तेलंगाना में, लोगों को लेके साथ में चल रहा है। आज केसीआर साहब आने के बाद कहीं पर भी कोई डिस्पैरिटी नहीं है। जैसा एससी के लिए जो हम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देता है, मैं समझता हूँ पूरा देश में माइनॉरिटीज के लिए भी एससी के ऑन पार मुस्लिम माइनॉरिटीज क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए भी जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो सिर्फ तेलंगाना में मिल रहा है। दिल्ली के सरकार ने ISO स्कीम को बर्खास्त कर दिया। एक स्कीम था माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाई के लिए जो पैसे देने का, वो बंद कर दिया। लेकिन केसीआर साहब बोले तुम तो बंद कर लो, हम तो जरूर तेलंगाना में खुद के पैसे देंगे, राज्य की सरकार के पैसे देंगे। ये भी आप लोग जानते हैं। आज ओवरसीज स्कॉलरशिप ये इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा है। 3000 से ज्यादा बच्चों को, बच्चियों को आज अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, फॉरेन में पढ़ाने के लिए, एक एक पढ़ाई के लिए, एक एक आदमी के लिए 20 लाख रुपए से सरकार के तरफ दे रहा है। ये भी सबसे ज्यादा अपने राज्य में ही हो रहा है। और साहब ने, मुस्तफा कादरी साहब ने ये हमारा सामने रखे कि 3 मुद्दे हमारे सामने रखे, एक अमन के साथ एक सेक्युलर गवर्नमेंट को आप चलाने के लिए बताएं। केसीआर साहब ए सेक्युलर लीडर में 100% हम वादा करते हैं सेक्युलरिज्म को बचा के रखेंगे। सेक्युलरिज्म पे हमारा जो एजेंडा है जरूर इसको तेलंगाना में हम करेंगे। दूसरी बात साहब ने बताया, जो भी हमारा प्रोमिसेस है माइनॉरिटीज के लिए, जो भी हमारा स्कीम्स है, जरूर उस स्कीम्स को हम आगे भी लेके जाएंगे। इसके पहले कोई कॉर्पोरेशन लोन मिलना है तो 20% गवर्नमेंट देती थी, 80% बैंक में लोन लेना था। वो लोन के लिए फिर के तक जाते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना, उसको श्योरिटी होना, गारंटी होना, वारंटी होना। अब पूरा निकाल दिए सीएम साहब ने, सीधा सीधा 1 लाख रुपया दे रहा है। कोई बैंक की मामला नहीं है, कोई गारंटी का मामला नहीं। इस स्कीम को हम जरूर आगे लेके जाएंगे। 100% जो भी गरीब है, जिनका भी जरूरत है, हर साल ही ना इसके लिए बजट रख के जो ये स्कीम को हम आगे लेके जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो में भी सीएम साहब ने बताया, सिर्फ स्कूल नहीं, अभी तो जूनियर कॉलेज तक अपग्रेड कर चुके हैं, आगे इसको हम डिग्री कॉलेजेस भी रेजिडेंशियल बनाएंगे। अगर से 12 के बाद छोड़ दिए तो फिर ये लोग छोटे छोटे काम पे लग जाते, या घर में शादी कर देते लड़की है तो। साहब चाहते हैं कि ये लोग डिग्री पढ़े, डिग्री के बाद तो वो खुद नौकरी कर सकते, आगे सोच के भी और भी पढ़ सकते हैं।
जितने भी अपनी 204 स्कूल है इसको हम डिग्री कॉलेज तक भी बनाने वाले हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो है। जो भी वादा अभी तक करे हैं जरूर वो निभाएंगे, आगे भी हम उसको आगे लेके चलेंगे।